जनसभा जलसभा है कि हम मिल रहे हैं लोगों से। कहाँ बताए हैं, कहाँ बताए हैं आप? अब सुने नहीं है, जो सुने हैं वही बताया। अरे आप बहुत कह रहे हैं कि हमारा लास्ट चुनाव है, जनता से अपील कर रहे हैं कि दारा सिंह चौहान को भगाना है। हाँ, मैंने नाम लिया कि इसको भगाना थोड़ी किसी को, अपने घर वाले को जिताना है, विदेशी को भगाना है। बस विदेशी कौन है अब समझ जाइए, जो जिले से बात जितना समझदार आप हैं तो आप नहीं समझ जाते। जो इस माटी पर नहीं पैदा है बहू की माटी पर वो विदेशी है, जो इस माटी पर पैदा है वो स्वदेशी है। आपके विरोधी रहे हैं उन्हें पाड़ा बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा कोई चीज से कोई विरोध नहीं रहा है, हमारा व्यक्तित्व कहीं किसी को हमारा कोई विरोधी नहीं रहा है। अखिलेश पांडे को मैंने ही प्रमुख बनाया था, पहली बार मैंने ही प्रमुख बनाया था। कोई दुर्भाग्य चीजें हुई होगी तो मैं व्यक्तिगत दोष मैं कुछ हूँ ना, सब हमारे आज भी हमारे साथ आधे आधे परिवार के सारे लोग लगे हैं। दारा सिंह चौहान प्रकाश राजभर गांव गांव घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं कि दारा सिंह चौहान कुछ भी नहीं किए फिर भी उनको जिताना है, तो कहा वोट जाके ले लेते हो जब और एक देवे की तैयारी ना हो, और वो अंदर से चाहत हुई है कि कोई नेता जीते तो हम ही की चाहत हुई। काम नहीं किए हैं फिर भी उनसे वोट मांग रहे हैं एनडीए के प्रत्याशी के लिए। हाँ, तो उनका काम है जो कर रहे हैं, जब काम है ना अकेले हो तो वोट कौन चाहिए, मजदूरी कहले ही ना हो तो कत को मजदूरी मांग मांगा। नहीं, तो जनता का लड़ाई, तो जनता की यहाँ लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। ओम प्रकाश बोले हैं कि इस बार अखिलेश यादव और कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेगा उत्तर प्रदेश में जब तक राजभर बीजेपी के साथ है। कितना दल में रहो कहने सबके मुख्यमंत्री बना होता है, अपने कान हो जाते बोले हैं कमलनाथ थाने जाएंगे, अच्छा अपना ही बन जा। नहीं तो कह रहे कि हमको मारे लेंगे लोग तो कैसे मुख्यमंत्री बनूंगा मैं, के मारी सपा वाले है, सपा वाले सपा वाले वो करी योग्य बने अपने आप वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अरे यह कहे कि अगली बार विधानसभा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसकी बात सोचे, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है। मैं कोई बक्से में थोड़े बैठा हूँ, गणतज्ञ थोड़े हूँ, ये जानता हूँ कि जनता भारी वोटों से जीता रही है। 50,000 के दावा कर दिए हैं तो बीजेपी वाले। हाँ तो थोड़ा उनका और बढ़ा दीजिए और पढ़ा तो आई जाएगा, वो जो उनका है उसको कर्ज बता दीजिए, बताने में क्या लगता है। इतना गाँव घूमे कहीं बीजेपी के कोट लौका था कहीं कौन गाँव में लौका दिखाई दे बता दीजिए। 80 सीट पर दावा कर रहे हैं सारे हमारे, 95% तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे लोग साथ हैं, तो उनके पास के हाल मुद्दों पे लेकर जनता के बीच में है। ये पूरी दलित जनता ही लग रही है, आप पूछ लीजिए, अभी अभी फैसला हो जाएगा, पूछ लीजिए। यही तो है, यही तो सब है, ये बसपा सेक्टर प्रभारी है, यहाँ पे 70% दलित हैं, पूछ लीजिए। झूठा सत्य असत्य में फैसला हो जाएगा। बीजेपी के करीब 100 से ज्यादा विधायक मंत्री सारे काम करने वाले हैं मऊ में, साल भर से रहो वो जो आएंगे वो पूर्वांचल के हैं, और सबसे सब लोग इसीलिए आ रहे हैं, वो हमारे कहीं मित्र हैं, इसलिए आ रहे हैं कि किसी तरह से भाईवा जीतो। हाँ, इसे याद हो रतन शर्मा कहाँ लेके घूम रहे हैं? रतन शर्मा ने यादव आए, यह कहा हम घूम रहे हैं, तो खुद ही आया पैदल चल करके। हाँ, प्रचार कर रहा है। हाँ, प्रचार कर रहा है। क्या कह रहा है आप सुन बल्ला, पूछ लीजिए इसे क्या कह रहा है, क्या कह रहे हो? मैं